हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हेलो 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 हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। बस बस, सब बिल्कुल खैरियत। आप बताइए। बस बढ़िया। क्या पंचालिटी है, मतलब सही में एकदम .5 PM। देखो, कलाकार जो है ना, वो जब तक समय का मुस्तैद ना हो तब तक मजा नहीं आता है ना। तो समय की जो पाबंदी है वो तो है ही यार। ऐसा थोड़ी है कि घर में फुर्सत में बैठे तो चलो हो जाएगा। तो कैसे और बताएं। हो आप, कहाँ कहाँ घूम के आए एंड अब फाइनली घर पे टिके हैं, तो और बिल्कुल बिल्कुल, मुझे कैसा लगा चल कि रहा मैं है? बहुत सही समय से लौट आया, सब जगह से घूम के, है ना। तो फिलहाल अब तो घर पे टिकना है ही। किस तरह से काम चल रहा है एंड क्या क्या ड्यूटीज डिवाइड हुई हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं अनिरुद्ध आप एंड देखिए, ड्यूटी तो देखिए ऐसा है कि ये ऐसा समय, ऐसा माहौल कभी आज तक कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया, है ना। आप और हम देखें तो कभी जीवन में कभी नहीं? हाँ पिछले कभी नहीं, पिछले पिछले 30 सालों के अंदर कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि यार ऐसा भी कोई समय आएगा जब इतनी प्रॉब्लम होगी देश में और इस तरीके से हम लोगों को, सब लोग को मिलके, यू नो। बट ठीक है, बार बार मैं यही अपने आप को बोलता हूँ और बाकी अपने सब दोस्तों को भी ये बोलता हूँ कि वक्त ये भी गुजर जाएगा। एंड किस तरह का शेड्यूल बना है इस वक्त घर पे? देखिए, शेड्यूल तो फ्रेंकली स्पीकिंग पूरा बिगड़ चुका है, अभी कुछ है ही नहीं। बिकॉज आपका क्या है कि जो ओवरऑल रूटीन होता है, डिसिप्लिन लाइफ जो होती है, वो होती है कि आपके एक रेजिम, एक रूटीन बना होता है कि भाई ठीक है, मैं हाँ इतने बजे जागूंगा, फिर मैं इतने बजे नाश्ता हो जाता है लगभग इसके बीच में, और उसके बाद फिर बाकी काम होते हैं, शूटिंग पे जाना होता है तो शूटिंग चले जाते हैं, नहीं तो कुछ और काम होते हैं वो होते हैं। तो अभी तो सब कुछ जो है वो अस्त व्यस्त है ना। हाँ तो फिर ये हो जाता है कि चलिए, अब बड़े टाइम बाद किताब पढ़ने का एक दौर आया है, तो रात रात तक कभी एक एक 1:30 बजे तक कुछ बुक्स, नॉवेल्स और वो सब पढ़ता रहता हूँ। तो अब सुबह वापस जल्दी जागने का तो कोई चांस ही नहीं है। आप एक पहले आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं रात के 1:30 बजे तक बुक्स पढ़ता रहता हूँ, बाकी आई एम ऑन नेटफ्लिक्स टिल 4 AM 3 AM। तो अच्छा लगा ये वो सुन देखिए, के। देखो उसमें ये है ना कि आती सबकी अपनी अपनी पसंद है ना। अब जो मेरा जो टॉपिक है, जिन चीजों के, जैसे नाटकों की, प्लेस की मैं किताबें पढ़ता हूँ या फिर कविताएं पढ़ता हूँ, वो मतलब ऐसा होता है कि वो शायद मैं घर में साथ में बैठ के नहीं देख पढ़ सकता, बिकॉज वो एक सबका अपना एक चॉइस होता है। हाँ, कुछ एक नॉवेल्स भी जो आजकल मैं पढ़ रहा हूँ तो वो उसकी बड़ी तेज तेज रीडिंग करता हूँ, तो वो जो घर में सभी लोग उसे सुनते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, फिल्म हुई चाहे कुछ अच्छी सीरीज हुई, वो आप देख लीजिए, बट उसके बाद अपना जो और कुछ शौक है, जैसे कि म्यूजिक को थोड़ा समय देता हूँ, थोड़ा कुछ किताबों को देता हूँ, तो वही अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चलता रहता है। और बताइए घर पे आपकी वाइफ कैसी हैं एंड कहाँ हैं वो? शी इज फाइन। अभी वो घर में बाहर इधर से उधर वॉक कर रही है, उसके बाद हाँ अपने फिर काउंट करेगी कि कितने स्टेप्स मैंने काम किया, वर्क किया, तो वही सब चल रहा है। तो कितनी हेल्प आप उनकी करा रहे हैं अनिरुद्ध? खाना बनवा रहे हैं देखिए, या बर्तन झाड़ू पोछा, क्या क्या जिम्मेदारी है, कुछ निभा रहे हैं? कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि ना, एक्टर्स को शौक होता है थोड़ा कुकिंग का, मैंने देखा है, मोस्टली लोगों को होता है ना। तो बड़ा मजा आता है कुकिंग करने में, तो कई बार कभी कभी कुछ कुछ नया नया देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ। आजकल काफी कुछ ट्यूटोरियल्स जो हैं, उन्हें देखना शुरू किया है, जिससे और समझ में आ रहा है कि नई नई रेसिपीज को और आप कैसे बना सकते हैं। तो चल रहा है कुछ कुछ। क्या बनाया? कल ट्राई किया था आलू का चोखा, मैंने वो पिक्चर भी पोस्ट की थी, तो मुझे हाँ किसी ने बताया कि यार बिहार में बड़ा कमाल का एक आलू चोखा बनता है, आपने खाया नहीं था जो अभी तक? नहीं, खाया था बट कभी खुद बनाया नहीं था। आओ। हाँ, तो वो उसमें हाँ क्या होता है कि बड़े अच्छे से उसको मैश किया, फिर उसमें मस्टर्ड वगैरह डाल के बड़ा अच्छा सा, उसमें वो हाँ कच्चा सरसों का तेल, कड़वा तेल, एक शेफ है निशांत, उनसे उनको मैंने फोन किया, फिर उनसे जाना, उन्होंने कहा कि यार इसको ऐसा बनाओ, फिर उसमें अलग अलग चीजें डाल के, प्याज व्याज डाल के आए, हाय क्या मजा आया। अरे वाह, एंड आई गेस पूरे घर को पसंद आया होगा। ऑफकोर्स ऑफकोर्स ऑफकोर्स, मतलब मैंने पहली बार वैसी कोशिश की, बट या अच्छा लगा। ओके हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे, देहरादून से हैं आप राइट? जी हाँ। एंड देहरादून में कब तक थे, कैसी लाइफ थी देहरादून में आपकी, ये बताइए। अच्छा,
देखिए देहरादून जो है उत्तराखंड, उस समय तो खैर वो उत्तर प्रदेश ही हुआ करता था, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं भाई उन सबको मेरा नमस्कार। तो उत्तर प्रदेश के बाद वो उत्तराखंड बाद में हुआ है ना, जब उत्तरांचल सरकार हुई और उत्तरांचल स्टेट बना जब, तो एक्चुअली मेरी मदर वहां पे थी जिस वक्त मेरा जन्म होने वाला था, और मेरे नाना जी जो थे वो देहरादून में ही थे उस समय पोस्टेड। तो वहां पे रहा लगभग, ये समझ लीजिए कि वो मेरा सिर्फ एक जन्म स्थान रहा, और उसके बाद फिर बिकॉज माई मदर वॉज वर्किंग, वो राजस्थान में जयपुर में जॉब करती थी, नहीं उससे पहले तो वो कच्छ में थे गुजरात में, वहां से फिर उसके बाद में जयपुर में उनका ट्रांसफर हुआ। तो आप ये समझिए कि सिर्फ जन्म होने के बाद उसके बाद फिर मैं जयपुर में आ गया राजस्थान, और उसके बाद तो फिर सारी एजुकेशन जो थी वो जयपुर में ही हुई। क्या एजुकेशन की है अनिरुद्ध आपने, एंड फिर उसके बाद मुंबई कैसे आना हुआ ये सपनों की नगरी में? हाँ बिकॉज आपका बहुत इंटरेस्टिंग ग्राफ रहा है, तो मेरे पास बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि ये लाइव भी हम रिकॉर्ड करके हम इस पे एक शो भी बनाएंगे, तो इसलिए। बिल्कुल, तो मैं आपको बताता हूँ दरअसल, हाँ तो जयपुर से शुरुआत करते हैं। जयपुर में जब जैसे मेरी एजुकेशन शुरू हुई, जब पढ़ना शुरू किया, तो मैं उन बच्चों में से था जो होते हैं ना कि यार आप थोड़े से पढ़ाई में कमजोर हो, बाकी हर चीज में आप अव्वल हो, तेज हो। हाँ हाँ, मतलब आप चाहे स्पोर्ट्स की बात करें, चाहे आप कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें, खेलना कूदना स्कूल के अंदर, चाहे प्रार्थना के अंदर तबला ढोलक बजाना हो, हारमोनियम बजाना हो, चाहे परेड के अंदर ड्रम बजाना हो, हर चीज के अंदर अव्वल रहता था, बस पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा हल्का था। तो मैंने कहा यार ये तो थोड़ा सा कुछ लाइफ में और अलग अच्छा किया जाए। सो एनीवे, ग्रेजुएशन पहले तो केंद्रीय विद्यालय से मैंने मेरी स्कूलिंग की, तो केवी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग, हम लोग का ग्रुप है एंड यू ऑल आर इन टच। तो केंद्रीय विद्यालय वालों का थोड़ा सा एक खास अपने आप में जो पास आउट्स होते हैं, एलुमनाई होते हैं, उनके लिए एक रेस्पेक्ट होता है, सो दैट इज गुड। तो वहां से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई की, और उसके बाद फिर आ गया राजस्थान विश्वविद्यालय जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, और वहां से फिर मैंने थिएटर की शुरुआत की थी। जब थिएटर करना शुरू किया तो उसके बाद समझ में आया कि यार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है दिल्ली में जहां पे सबसे ज्यादा थिएटर होता है और सभी अव्वल दर्जे के जितने एक्टर्स हैं वो सब वहां से पास आउट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वहां के लिए ट्राई किया जाए। और उसके बाद फिर जयपुर में काफी कुछ लोग थे जिन लोगों ने मुझे काफी सपोर्ट किया, और उनके साथ मैंने कोशिश की कि उनके साथ फ्रीलांस थिएटर करूं। उसके बाद फिर मैं दिल्ली पहुंचा, फिर दिल्ली में थिएटर शुरू हुआ, उसके बाद फिर मुंबई आया। Yes. तो ये एक तो इनिशियल स्टेज रहा। हाँ, मुंबई आके कितनी आसान थी इस नगरी ने, बहुत रास्ते आसान किए कि मुश्किलों का दौर आपकी जिंदगी में भी था? देखिए अगर कोई भी कलाकार है ना, चाहे वो कोई न्यू कमर हो, चाहे काफी पुराने कोई दिग्गज कलाकार हो, अगर वो ये बोल दें कि मुश्किलों का सफर खत्म हो चुका है, तो मैं उनको भाई प्रणाम करता हूं। कलाकार के लिए मुश्किल का सफर उस दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन वो अपने जहन में ये डाल लेता है कि मुझे एक्टर बनना है। आप कलाकार पैदा नहीं होते हैं, आप अपने अंदर उस कलाकारी को, उस क्राफ्ट को आप मेंटेन करते हैं तो फिर आप एक्टर बनते हैं। बट एक ये कटु सत्य है, मुझे लगता है चाहे फिर वो एक वो नौसिखिया जो अभी लॉकडाउन से पहले ही कोई नया आया वो एक्टर हो, या फिर जो 25-50 साल से काम कर रहे हैं हमारे दिग्गज, हमारे सीनियर्स जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए भी देखिए मुश्किल कहाँ होती है, मुश्किल काम मिलने की नहीं होती। काम तो जब आप करने लगते हैं, आपका काम अच्छा होता है तो बैक टू बैक आपको काम मिलता जाता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि एक टाइम बाद आप चूजी हो जाते हैं, नहीं यार मैं ऐसा कुछ कैरेक्टर करना चाहता हूँ, नहीं यार काश मैंने ऐसा कुछ किरदार किया होता, वैसा कुछ इस बार ट्राई करूंगा। तो कलाकार जो है उन चीजों में फंसा रहता है, और उन चीजों से वही उसकी मुश्किल होती है, और उन्हीं मुश्किलों का सामना करके फिर वो एक्टर बनता है। तो मुश्किल तो आज भी है। मैंने इनिशियली जब स्टार्ट किया था तब तेरे संग सतीश कौशिक जी की एक फिल्म थी, उससे शुरू किया था। रुसलान उसमें लीड हुआ करता था, उस फिल्म में मैंने सपोर्टिंग रोल किया था। टीनेजर लव स्टोरी थी, और हम लोग भी कितने 18-19 साल के थे उस वक्त, लगभग 10 साल पुरानी बात है। तो वहां से सफर शुरू हुआ, और उसके बाद फिर एनडीटीवी इमेजिन का पहला शो राजकुमार आर्यन मेरा शो वो शुरू हुआ, और उसके बाद तो फिर राजकुमार आर्यन, फिर नेक्स्ट ईयर रहने वाली महलों की, फिर मेरा नाम करेगी रोशन, फिर कलर्स पे फुलवा आ गया था तब तक, उसके बाद फिर रुक जाना नहीं शुरू हुआ स्टार प्लस का, देन हाउसवाइफ जी टीवी का, और उसके बाद फिर सफर चलते 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 लास्ट पटियाला बेब्स तक आके गाड़ी फिलहाल रुकी। पहला शॉट अपनी लाइफ का बताइए ना, एंड कैसा था वो? देखिए पहला शॉट सिलेक्ट हुए थे, एक्चुअली कैसे सिलेक्ट हुए थे वहां से?
देखिए सच बताऊं अगर तो मैं आज आपको एक वो चीज रिवील करने वाला हूं जो आज तक मैंने कभी किसी को बताई नहीं। हाँ। अगर आप पहले शॉट की बात करते हैं ना, मुंबई हाँ। में पहले शॉट की अगर बात करते, क्योंकि ऐसे तो कैमरा मैंने कहा जयपुर में भी फेस किया था, जो काफी लोकल शूटिंग्स वगैरह होती हैं तो उसमें हम लोग चले जाते हैं। नहीं नहीं पोर्टफोलियो नहीं, शूटिंग के लिए। हाँ तो जो यूनिट्स आती हैं उसमें होता है ना कि भाई कुछ चाहिए होते हैं, जो सो कॉल्ड आप जूनियर जैसे ही मान लीजिए, है ना। तो बट जयपुर में जो मुंबई में जो मेरी शुरुआत हुई थी वो हुई थी जो आपने देखे होंगे ना, टेली शॉपिंग नेटवर्क वाले हेड आते नापतोल जैसे आता है। हाँ तो वहां पे मैं एक जगह गया, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले आप ये ऑडिशन दे दीजिए। मैंने ऑडिशन की स्क्रिप्ट ली, ऑडिशन की स्क्रिप्ट के अंदर लिखा था कि हाँ कि माँ लक्ष्मी माँ की कृपा है, जब से मैंने ये पेंडेंट पहना है तब से मेरी ये नौकरी लग गई और अब मैं घर पे जाके बताऊंगा, माँ को भी खुशी होगी और अब सब लोग मुझे बोलेंगे, आस पड़ोस में जितने भी सारे लोग हैं कोई भी मुझ पे उंगली नहीं उठाएगा और सब लोग कहेंगे देखो ये लड़का पढ़ने में निकम्मा था लेकिन आज इसकी किस्मत ने इसका साथ दिया, तो माँ लक्ष्मी की कृपा से आप भी गले में ये पेंडेंट पहने और अपने जीवन को सफल बनाए। अच्छा ये आज भी कभी सोचता हूँ ये, तो पता नहीं शायद यही एक शायद आशीर्वाद मिला होगा और हाँ। लक्ष्मी माँ की कृपा रही, परम जी की कृपा रही, क्या बात है। एंड तो वो पहला शॉट था। क्या बात। एंड आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा है? चाय पीते रहिए ठंडी हो जाएगी। हाँ, देखिए फेवरेट किरदार एक्टर के लिए ना सारे कैरेक्टर्स उसके लिए बहुत करीबी हो जाते हैं, क्योंकि जब आप एक कैरेक्टर प्ले करने लगते हैं तो फिर आपको वो जो किरदार आप प्ले कर रहे होते हैं उससे आपको भी प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उसको अपने आप से अलग करते हैं और उसकी कुछ चीजें उसको भी आप संवारने में लगते हैं तो आपको उस किरदार से प्यार हो जाता है। लेकिन फिर भी पिछले 12 सालों में मैंने जितना काम किया है उस हिसाब से मैं अगर कहूं तो यारो के टशन में यारो जो था रोबोट, वो मेरे लिए वो बहुत क्यूट, बहुत प्यारा, और बिकॉज वो इंसानी नहीं था, वो एक मशीनरी था, तो उसको अपने आप में पोर्ट्रे करना मेरे लिए काफी एक चैलेंजिंग जॉब था, तो वो और ऑफ कोर्स रुक जाना नहीं का इंदू सिंह, बिकॉज वो आज जितने लोग देखते हैं, चाहे लोग मिर्जापुर देखते हो, चाहे लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर देखते हो, जितनी भी सो कॉल्ड यू नो यूपी बैकग्राउंड है भोकाली वाली चीजें देखते हो, कहते हैं भैया हमने तो 2012 में इंदू सिंह देखा था और वो बहुत पसंद आता है। वो बहुत तो वफादार कैरेक्टर था, बहुत 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 बहुत, मतलब उसका जो एक पूरी हवा जो थी, जो पूरा उसका एक टेरर था, बड़ा अलग था, हाँ। बहुत बहुत कमाल का। तो हालांकि वो 2012 की बात हो गई, देखो आज हम 8 साल बाद भी उस किरदार को याद कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो लोग उस कैरेक्टर को याद करते हैं, तो वो और देन ऑफकोर्स अभी हनुमान सिंह से बहुत प्यार मिला। हाउसवाइफ जो शो था वो भी बहुत अलग था, आप इतने एक उसमें भी लाइक सोशली बहुत लोग मेंटालिटी को चेंज करने वाला ही शो था। बिल्कुल 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 था वो, 2013 की बात है, जी टीवी का शो था और सुहासी थी उसमें मेरे अपोजिट, तो उसमें यही था कि घर में जो बहुएं हैं ना उनको काम करने जाने दीजिए, वो बेशक वो हाउसवाइफ है लेकिन वो सारे काम कर सकती हैं, तो वो थी मोनिका खन्ना थी, तो वो थी कि एक बहू जो है वो घर के अंदर काम काज करती रहती है, 10 काम उसको आवाज लगाती रहती हैं, इमानी जी थी उसमें, तो बड़ा मजा आया, एक अच्छा सफर रहा। फेवरेट को-स्टार कौन रही है आपकी अनिरुद्ध? एक ही नाम लेना आप या फिर सीक्वेंस में लगा देना, डिप्लोमेटिक आंसर नहीं यार। मैं एक्चुअली सच बताऊं ना तो मेरा सभी के साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही, मेरे चाहे जितने भी कोई एक्ट्रेस रही हूँ आज तक सबके साथ टचवुड बहुत अच्छा रहा, और बिकॉज एक्टिंग एक ऐसी चीज है ना, सीन जब हम लोग करते हैं तो वो अकेले आपके करने से नहीं होता, वो गिव एंड टेक है, तो सभी लोग अपने आप में जितनी भी एक्ट्रेसेस मेरे साथ रही उन सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, चाहे वेब में हो चाहे टीवी में हो। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, तीन एटलीस्ट फेवरेट बता सकते हैं, एक नहीं तीन। देखिए हाँ सुहासी दामी, शी इज ब्रिलियंट, परिधि शर्मा ऑफ कोर्स, एंड उसके अलावा या पूजा शर्मा वाज आल्सो गुड, तो ये जो मेरे दोनों तीनों शोज हैं इनमें बहुत ही कमाल का उन लोगों ने काम किया और बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं,
वेरी सपोर्टिंग, और मतलब ऐसा होता है कि जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ यार अच्छा हो रहा, बाकी वो समय, हालांकि वो बाद में मम्मी बनी है, एंड मालिनी कपूर वो भी बहुत कमाल की अच्छी एक्टर है, शी वाज देयर विद मी इन यारो का टशन, तो बहुत अच्छा, जब आप अच्छे एक्टर्स के साथ काम करते हैं तो बड़ा एक अलग मजा आता है, वो आपको एक अलग किक मिलती है, तो अच्छा सफर रहा। ओके ये बताइए पटियाला वेब्स कैसे हुआ पॉसिबल? पॉसिबल ऐसे हुआ कि ये बात है 2018, हाँ मैंने 18 से 19 तक किया ना, हाँ तो ऑडिशन हुआ तो जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे बुलाया, रीमा ने, उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा कैरेक्टर है, मैंने कहा यार पुलिस वाला है और वो भी हरियाणा का ही बोल रहे हैं, तो उस दौरान मैंने थोड़ी सी कुछ वर्कशॉप की थी और कैरेक्टर्स पे अलग अलग वर्क करता रहता हूँ, जैसे इन दिनों भी काफी काम चल रहा है अलग अलग कैरेक्टर्स पे, तो वो मैंने ऑडिशन दिया, उनको पसंद आया समा, उन्होंने कहा यार कुछ सिमिलर लाइंस पे ही हमारा कैरेक्टर है और हम ऐसा ही सोच रहे हैं, और फिर उसके बाद बीच में एक कृष्णा की फिल्म के लिए मैं फिर लंदन चला गया था, कुछ दिन जब लौटा तो पता लगा कि वो शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है, एंड दे आर कॉलिंग मी कि आप आइए, मैंने कहा ठीक है, तो फिर उसके बाद आए तो तब तक 12-15 एपिसोड निकल चुके थे बाय द टाइम बबीता का डिवोर्स वाला जब सीन चल रहा था, और उसके बाद फिर फाइनली आई वॉज ऑन द बोर्ड एंड वी स्टार्टेड शूटिंग। अच्छा ये बताइए वो शो में आपका बॉन्ड कैसा था, बिकॉज अश्नूर स्टिल मिसेस यू एंड वो कहती है कि अनी भैया एंड परिधि से भी उसका बॉन्ड बहुत अच्छा था, तो बहुत कैसा? बहुत अच्छा, वो बहुत, वो खुद भी बहुत अच्छी एक्टर है, और मेरे और परिधि के लिए तो हम लोग तो खैर दूसरी बार साथ में काम कर रहे थे, बिकॉज रुक जाना नहीं में भी हम लोग साथ में थे, बट ओवरऑल इसमें जिस मैच्योरिटी के साथ जिस तरीके से वो कैरेक्टर प्ले किया है वो बड़ा कमाल का था, और टचवुड हम तीनों का जो एक ट्रायो था जो तीनों सीन्स होते थे, वी यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट, बिकॉज क्या होता है कि तीनों परफॉर्मर्स थे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल परफॉर्मर्स हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जब किसी सीन में आत्मा डाल देते हैं ना तो वो सीन फिर एक अलग लेवल पे चला जाता है, और किसी भी एक्टर के लिए वो एक सबसे बड़ी किक होती है, जब आपको लगता है हाँ यार ये ऐसा पेपर पे ऐसी लिखी स्क्रिप्ट थी, ऐसा ही राइटर ने सोचा था, डायरेक्टर ने उसको ऐसा डायरेक्ट किया, और फाइनली एक्ट्रेस ने उसको ऐसा परफॉर्म किया कि वो उस लेवल पे चला गया, तो इट वाज ऑलवेज अ ट्रीट यू नो उनके साथ एक्ट करने में, बड़ा मजा आता था, मैं भी मिस अच्छा करता हूँ अश्नूर। हाँ ये शो में जब आपकी और परिधि की एग्जिट प्लान हुई, जी, मतलब जी हाँ जिस तरह से बवाल हुआ सोशल मीडिया पे, एंड आई गेस इसके लिए चैनल भी बहुत ट्रोल हुआ, प्रोडक्शन हाउस बहुत ट्रोल हुआ, तो वो टाइम कैसा था अनिरुद्ध? बिकॉज अब क्या मतलब अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पे क्लैरिटी, बिकॉज उस वक्त तो एक साथ हो गया था कि 10 लोग फोन करते रहते थे, तो आप थोड़ा सा पढ़ना भी नहीं चाहते थे मुश्किलों में, बट अब आप बोल सकते हैं एटलीस्ट कि क्या हुआ क्या था। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं पहले भी ये कहता हूँ कहता था और अभी भी यही कहता हूँ, उसमें यह है कि किसी भी एक्टर के लिए ना एक सब चीज बड़ी निर्धारित है, जैसे कि एक आम इंसान है उसकी जिंदगी में सब कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसे हम लोगों की जो पर्सनल स्क्रिप्ट है ना वो लिखी जा चुकी है, और मैं मुझे पर्सनली जैसे कि मैंने कहा कि यस हनुमान सिंह बड़ा पसंदीदा किरदार रहा है, और मैंने मुझे खुद को मतलब बहुत अच्छा लगा वो परफॉर्म करने में, बहुत प्यार मिला उस कैरेक्टर को, तो मैंने मेरी इनिंग खेली, मुझे मजा आया, वो उसकी कहानी जो थी वो फर्स्ट सीजन तक थी, वो उतना निर्धारित थी, ठीक है बाद में बीच में भी कुछ और ट्रैक्स की बातचीत हो रही थी बट वो नहीं हुआ, फाइनली जो भी डिसीजन लिया होगा चैनल ने और राइटर्स ने, तो वो मैंने कहा ठीक है सर्वम सर्वा, बिकॉज मेरे लिए तो मैंने कहा भाई जो जितनी खेल ली ना पारी उतनी अच्छी बात है ना। क्या ये वाकई सच है कि आप लोगों को पहले नोटिस नहीं दिया गया था कि आपका ट्रैक खत्म हो रहा है? देखिए क्या होता है कि कई बार थोड़ी सी भनक तो लगती है, मुझे तो कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गट फीलिंग थी कि शायद मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर का एक सेचुरेशन पॉइंट हर किसी का होता है ना, और आपको पता होता है कि नहीं यार इसका शायद ये है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे जहन में था कि हो सकता है कि अब इसका यहाँ पे कोई एक अगला पड़ाव आए, एक नई चीज आए, और उस कैरेक्टर में अब उसको वहीं विराम लगा के या तो कुछ एक अगला उसमें लीप लिया जाएगा या फिर कोई एक नई कहानी एक नया पड़ाव होगा, है ना, तो फिर समझ में आ ही गया था, तो मुझे समझ मुझे तो थोड़ी सी एक आइडिया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है।
एंड फैंस इतने दुखी हुए थे एंड तो उनको किस तरह से आप नहीं 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 आप ऐसे ऐसे मत बोलिए कि फैंस दुखी हुए थे. दुखी एक एक्टर भी होता है. जब आपका एक अटैचमेंट होता है किरदार के साथ तो और एक्टर्स तो बहुत इमोशनल होते हैं. जब तक एक एक्टर इमोशनल नहीं होगा तब तक उन इमोशंस को कैसे निकालेगा, कैसे बताएगा. है ना. तो जितने फैंस अगर दुखी हुए होंगे तो उतना दुख मुझे भी हुआ किसी चीज को लेके. लेकिन वही वाली बात है ना कि ठीक है उसका सफर यार उतना था और हमने अपनी पारी खेली. हाँ बारी मिली होती खेलने के लिए और आपने उस पारी में नहीं खेला होता तो फिर बात अलग होती. बट ठीक है, इट वॉज गुड इनिंग. एंड अभी जिस तरह से सौरभ राज जैन एंड अश्नूर के ऊपर ट्रैक चल रहा है एंड छोटी बच्ची आ गई है तो आपने ट्रैक देखा है ना, आपका कैसा फीडबैक है उस चीज को लेके. मैंने क्या कहा ना कि हर शो हर किरदार की ना एक एक किस्मत होती है, एक एज होती है, एक उम्र होती है. तो वो एक अपना समय जो है वो जी रहे हैं, हमने हमारा समय जी लिया है ना. और अनडाउटेडली जो बच्ची है सायशा वो बहुत प्यारी बच्ची है और बहुत अच्छा करती है. ऑफ कोर्स अश्नूर तो है ही अच्छी. और सौरभ जो है उसको मैं पसंद, उसको कृष्णा के रोल में मैंने काफी पसंद किया अनडाउटेडली. बहुत अच्छा रोल उन्होंने प्ले किया था. तो ही इज आल्सो वेरी गुड एक्टर. बीच में कुछ एक एपिसोड्स देखे हैं मैंने, अभी हाल ही में भी देखे जब पता लगता है कि सौरभ की भी वाइफ है कुछ एक तो देखा था, अच्छा लगा था. ओके सो ये तो बात है. अब हम जानना चाहेंगे शुभी से कैसे मिले आप, थोड़ी सी पर्सनल छानबीन. हाँ देखिए मुझे लगता है कि ना वही वाली बात कि हर इंसान की ना लिखी गई है कहाँ पर क्या होना है. सुनिए कहाँ पे किस समय किन हालातों में आपको किससे कब मुलाकात करनी है. ये सब कुछ लिखा जा चुका है. तो जीवन का एक वो वाला मोड़ था जहां पर ये था कि यार अभी अब समय आ गया है कि कुछ लाइफ में आगे बढ़ा जाए है ना. तो उस दौरान बंधन की शूटिंग चल रही थी और ऐसे ही बातचीत हुई. और बट ऐसा नहीं था कि कोई अफेयर वगैरह कभी कुछ नहीं रहा. और डायरेक्ट ही ऐसा हुआ कि हाँ ठीक है यार अभी मुझे जिंदगी में शादी करनी है. बोले हाँ मुझे भी शादी करनी है. वो जस्ट टू यू नो सीइंग ईच अदर एंड अप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चल रहा है. वो उस तरीके से कभी अफेयर रहा नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग. और डिसाइड हुआ, माई पेरेंट्स वर ऑल्सो कीन कि हाँ ठीक है अगर तुम्हें पसंद है तो कर लो. फाइनली उनके भी पेरेंट्स आए, बातचीत हुई और डन हो गया और फाइनली शादी हो गई. तो बंधन के सेट पे जी टीवी का शो था उमरगांव में, वहां पे मुलाकात हुई थी. और उसके बाद जैसे नॉर्मल ग्रुप्स बनते हैं व्हाट्सएप के इधर, तो वैसे ही उसमें ग्रुप में बातचीत होती थी. जनरली सिर्फ एक ही बार बाहर मुलाकात हुई थी. फिर उसके बाद ऐसी बातचीत हुई तो पता लगा कि कोटा राजस्थान की है, जयपुर में हमारे घर के पास नहीं है. कोटा शहर एजुकेशनल हब है काफी बड़ा. तो उनकी मदर जो है वहां पे प्रिंसिपल थी और जयपुर के अंदर मेरी मम्मी सेंट्रल स्कूल में ही वो टीचर मेरी मदर. तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा कुछ कॉमन फैक्टर्स निकलते आए, कुछ बातचीत हुई, काफी कुछ कॉमन यू नो. और भी कुछ लोग थे जो लोग संपर्क में थे. तो बस फिर सोचा कि चलो अब तो हो जाए. पापड़ बेलने पड़े मम्मी और पापा को कन्विंस करने में, फैमिली को मनाने. नॉट रियली. उनको वो ये होता है ना कि भाई ठीक है अगर ये कह रहा है इसकी अपनी पसंद है तो ठीक है. इसको लगा होगा कि ठीक है अब टाइम पैसा कर लेना चाहिए. तो जैसे तुम्हारी मर्जी है बेटा करो. एंड ये सवाल किसी ने नहीं पूछा है बट हम पूछ रहे हैं फैमिली प्लानिंग की क्या देखिए हर चीज का समय होता है. हर चीज का समय होता है. ये तो समय आप भी तय करोगे ना. हाँ हाँ तो बस वो समय जो है उस समय के लिए इंतजार हो रहा है. और लेट्स सी, जस्ट होप फॉर द बेस्ट. जल्दी से ये सब माहौल ठीक हो, आम जीवन में हम लोग जीने लगे, सब चीजें अस्त व्यस्त जो पड़ी हैं वो सब कुछ हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, तो उसके बाद फिर. अच्छा आपने अपनी शादी में 32 किलो की शेरवानी पहनी थी. हाँ यार पता नहीं क्यों एक ऐसा शौक था, मतलब बड़ा ऐसा था मन की पता नहीं. या तो शायद ऐसा बोल लीजिए कि आप राजस्थान के अंदर हमेशा बड़ी रॉयल वेडिंग्स देखी थी मैंने. तो बड़ा ऐसा सपना था यार कि अरे राजा महाराजाओं की तरह कहीं पे किसी की शादी होती है. तो रॉयल वेडिंग वाला एक कॉन्सेप्ट बड़ा दिमाग में था और हमेशा से सोचता था कि यार लगना चाहिए कि हाँ कहीं का कोई राजा राजकुमार है ना.
अब देखो ना, अगर आप टेलीविजन अगर शूटिंग की बात करें तो शूटिंग में तो कम से कम आज तक 10-12 शादियां तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन जो अपनी खुद की जो होनी चाहिए वो तो सबसे खास होनी चाहिए। तो वो सोचते हुए मैंने कहा चलिए अब तो। एक बहुत अच्छे डिजाइनर हैं रियाज गंजी लिबास करके, उनका सेंटर है जुहू में। हाँ हाँ, तो वहां पे मैं गया, मैंने देखा, मैंने कह रहा तो बड़ी शानदार। बोले सर ये देखो, मैंने क्वीन को पहना रखी थी। कह रहे सर ये देखिए बड़ी रॉयल किंग वाली शेरवानी है। मैंने कहा यार ये कैसी है। बोले पहन के तो देखिए, पहन के तो देखिए। मैंने कहा तो बेचने के लिए मार्केटिंग टैक्ट है। मैंने कहा देखा यार ये तो बड़ी वजनदार चीज है। तो वो परमानेंट ही खरीदी ली थी। फिर इनफैक्ट कल परसों कुछ ऐसे एक राजा बन के कुछ इम्प्रोवाइजेशन नाटक कर रहा था, तो इनको लगा कि घर में, अरे यार ये क्या नौटंकी शुरू हो गई, तो पहन ली थी फिर से मैंने एक बार। क्या बात कलाकार लोग, अरे कुछ कुछ कलाकारी चलती रहती है घर में। क्या बात है। कुछ रिहर्सल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज फिर। अच्छा किसी ने पूछा यारों का सीजन 2 कैन वी एक्सपेक्ट। देखिए वो उसके लिए मेरे को काफी लोग ट्विटर पे, बिकॉज मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव रहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे काफी सवाल पूछा था। मैंने कहा यार ये तो बेहतर होगा कि अगर सब टीवी से आप पूछें तो सोनी सब टीवी आपको बता पाएगा, बट स्टिल सोनी लिव पे उसके काफी एपिसोड्स हैं। जो लोग देखना चाहते हैं गाइज प्लीज डू वॉच, और आप देखिए आपको मजा आएगा। इनफैक्ट काफी मिलियंस में उन सबके व्यूअर्स हैं यारों के, टेशन के, काफी लोगों ने पसंद किया है। सो बाकी सीजन 2 का भी फिलहाल मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि होने वाला है। अच्छा अनिरुद्ध अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते? देखिए दो चीजें हैं उसमें, क्योंकि फादर मेरे या तो मुझे वो होटल मैनेजमेंट का फॉर्म वॉर्म लेकर आ गए थे, और बड़ा था कि उन्होंने कहा यार नहीं तो होटल इंडस्ट्री में ही जाओ, तो या तो मैं होटल मैनेजमेंट करके अभी होटल इंडस्ट्री में होता, या फिर मैं आर्मी के अंदर होता, फौजी बनता मैं, क्योंकि मैंने बचपन से आर्मी एरिया में ही पला बड़ा हूँ। 12-14 साल वहां पे मैंने बिताया है, बिकॉज वहां पे हम लोग क्वार्टर्स में रहते थे आर्मी एरिया में, पापा वहां पे सेंट्रल स्कूल के अंदर जॉब करते थे, तो मैंने पूरा वो माहौल देखा है, फौजियों की जिंदगी देखी है, सुबह से लेके रात तक कैंटोनमेंट में छावनी में रहना करना, फौजियों की जिंदगी कैसे, कब उनको आना जाना पड़ता है। इनफैक्ट जिस स्कूल के अंदर भी पढ़ता था तो वहां सारे फौजियों के बच्चे थे, तो उनसे बड़ा इंस्पायर रहता था मैं। मैंने कहा यार आर्मी में जाना है यार, बट ठीक है आज शायद एक ऐसा एक प्रोफेशन में मैं हूँ जहां पर सारे ही किरदार जी सकता हूँ, कभी पुलिस वाला तो कभी, और यही कारण है कि हाँ सबके अरमान पूरे हो रहे हैं। बदनाम मूवी के बारे में बताइए, कब आएगी एंड कहाँ तक पहुंची वो मूवी का? देखिए उसकी डबिंग जो है वो हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन हो चुका है, और अभी मेरे ख्याल से लॉकडाउन अभी हो गया, अदरवाइज वो बहुत जल्दी आने वाली थी। तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और हालांकि मेरा उसमें एक गेस्ट अपीयरेंस ही है, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस फिल्म को शूट करने का। वेब सीरीज के बारे में क्या सोचते हैं आप? कोई सीरीज में हिस्सा लेना चाहते हैं या कुछ नॉर्म्स हैं? बिकॉज आजकल वेब सीरीज कई आर्टिस्ट बोल्डनेस की वजह से झिझकते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि अभी होली पे ही, होली वाले दिन ही 10 तारीख को ही मैं एक वेब शो है उसे को कंप्लीट करके आया हूँ। उसका कुछ पैचवर्क बचा है, वो बहुत अच्छा है। हाँ हाँ, स्लिप नाम है उसका, टेंटेटिव टाइटल स्लिप है, और काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, और उसका शूट कंप्लीट हो गया लखनऊ के अंदर, आई वॉज शूटिंग फॉर दैट, और फिर होली वाले दिन आया, और उसके बाद 2 दिन आराम किया, उसके बाद ही फिर लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो गया, बिकॉज काफी बड़ा का किरदार है आपका अनिरुद्ध। बड़ा कम, एक पेंटर है वो एक पेंटर की कहानी है, 3 अलग अलग कैरेक्टर्स की अलग अलग स्टोरी है, और बहुत खूबसूरत। इन दिनों आपने वो सुना होगा कि शूटिंग के पंछी वाली कविता सुनी होगी जो काफी वायरल हुई थी अभी, है ना, कि शूटिंग के पंछी फिर से चहचहाएंगे हर जगह, हर, मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री के काफी लोग हैं। तो राजीव मेहंदीरत्ता हैं डायरेक्टर, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया और बहुत खूबसूरत बनी है, नो डाउट। सो लुकिंग फॉरवर्ड कि वो मुझे लगता है कि पैचवर्क के बाद 1.5-2 महीना मैक्स लगेगा, तो दैट विल बी स्ट्रीमिंग वेरी सून। ओके हाँ, तो नेक्स्ट इसके अलावा और किन-किन प्रोजेक्ट्स आपको लगता है कि आप इंटरेस्टेड हैं? देखिए कलाकार आदमी तो यार हर प्रोजेक्ट के लिए इंटरेस्टेड रहता है, जहां पे उसको लगे कि नहीं ये किरदार मेरे मतलब आपके भाई लिखते भी हैं, नितिन जो है वो लिखते भी हैं,
एंड वो हम मैंने उनको एक बार पूछा भी था कि यार तुम अनिरुद्ध के लिए क्यों नहीं लिखते, कहते नहीं भैया भैया को जो पसंद है वो अपने हिसाब से करेंगे, हम फोर्स नहीं करेंगे। देखिए मैं ना हमेशा से ना बड़ा चूजी रहा, क्योंकि क्या है जो कैरेक्टर्स जो किरदार हमको देखने करने है ना, तो उसके लिए एक अपनी चाह होनी चाहिए। जब तक हम अंदर से नहीं सोचेंगे ना कि यार मुझे ये कैरेक्टर करना है ना। हाँ शुरुआती दिनों में एक वो भी हाल था जब वो जो बोलते हैं ना कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, आपके पास ऑप्शन नहीं होता है कि यार कहीं तो कुछ काम मिले, बट एक बार जब आप करने लगते हैं तो ग्रेजुअली फिर आपको समझ में आता है कि नहीं यार मुझे ना ऐसा किरदार करना है। जैसे मैंने आपको कहा कि देखिए मशक्कत और मुश्किल तो अभी भी है, और हर कैरेक्टर के लिए, हर एक्टर के लिए चाहे कितना ही बड़ा हो, क्यों? क्योंकि हम लोग चूजी हो जाते हैं, हम लोग अपनी पसंद से कुछ करना चाहते हैं, तो वो है। रियलिटी शोज के बारे में क्या सोचते हैं आप, खतरों के खिलाड़ी या बिग बॉस में हम आपको देख सकते हैं? खतरों के खिलाड़ी में करना चाहूंगा पहले, और बिग बॉस का तो ऐसा कुछ मेरा खास इरादा है नहीं अभी फिलहाल तो। सो बट यस आओ मुझे आओ। हाँ तो बट भाई है कि कोशिश करूंगा कि अगर खतरों के खिलाड़ी के लिए अगर बातचीत होती है तो आई विल बी कीन, आई विल बी इंटरेस्टेड डूइंग दैट। क्या बात है। ओके अपनी फेवरेट मूवी और वेब सीरीज बताइए जो आपने देखी है एंड आपको बहुत पसंद है। अभी अगर हाल ही की बात करूं तो एक वेब शो मैंने देखा बड़ा मजेदार जिसका नाम है पंचायत। हाँ हाँ बहुत ही कमाल, बहुत ही रियल एक्टर्स, मोस्टली उसमें सारे थिएट्रिकल बैकग्राउंड के और बड़े कमाल के रियल एक्टर्स हैं। रघुवीर जी का उसमें बहुत अच्छा काम है, जितेंद्र कुमार ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारे विश्वनाथ चटर्जी उनका बहुत अच्छा है, शशि जी हैं, तो काफी लोग हैं जो लोग थिएट्रिकल बैकग्राउंड से हैं और रियल एक्टर्स हैं, बिकॉज अब दौर बदल चुका है ना। तो अब जो ठीक है एक एक वो दौर था जब सिर्फ सिक्स फीट और सिक्स पैक वाले लोग ही काम कर रहे थे, आज आप देखिए कि जो रियल एक्टर्स हैं है ना उनकी जरूरत जो है वो बढ़ गई है, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं और सबको अच्छे मौके मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो पंचायत हाल ही में देखिए, जो वेब सीरीज है 8 एपिसोड है, बड़े कमाल के लगे मुझे। और फिल्म की अगर आप बातचीत करें तो इंग्लिश मीडियम, हेड्स ऑफ टू इरफान खान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो कल से ही स्ट्रीम होनी शुरू हुई है डिज्नी हॉटस्टार पे, तो और मुझे लगता है कि वो हर किसी को देखनी चाहिए, स्पेशली हर बेटी को देखनी चाहिए, मेरा आज ही हर फादर को देखनी चाहिए, आप प्लीज जरूर देखिएगा। और जितने लोग इस लाइव चैट को देख रहे हैं दोस्तों, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी फिल्म देखें, आपको मजा आएगा। आप मतलब जो छोटे छोटे इमोशंस होते हैं हम लोगों की जिंदगी में ना, आप उसको समझेंगे कि जिंदगी में यार मैं अपने आप को कहीं उस कैरेक्टर में देखता हूँ या देखती हूँ, या फिर हमारे फादर ने हमारे लिए लाइफ में कितना कुछ किया होगा जो शायद हमें पता भी नहीं होगा, वो हमें बताएंगे भी नहीं कभी, बट वो चीजें जो है ना उन्होंने की हैं, तो उसका एक बहुत प्यारा सा एक रेफरेंस है इस फिल्म में, आप देखिएगा, यू विल एंजॉय दैट। ओके फेवरेट सॉन्ग, एंड किसी ने कहा है प्लीज अनिरुद्ध भैया को से गाना गवाइएगा। फेवरेट सॉन्ग तो बहुत सारे हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन फिर भी मुझे जब भी मैट के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मेरा नाम जोकर के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने प्यार किया के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर भी दिल दीवाना बिन सजना के माने ना फेवरेट है। एक सॉन्ग जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के ऊपर जाता है या आपको कुछ सीख मिलती है उस सॉन्ग से, जो आप शायद सोचते हैं कि जिंदगी यही है, तो वो कौन सा गाना होगा? वही गुनगुना दूंगा थोड़ा सा। हाँ चलिए गाता हूँ। कल खेल में हम हो ना हो, घर देश में तारे रहेंगे सदा, ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल फिर कोई दोहराएगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हम थे जहां। क्या बात है, बड़ा थैंक यू यार, ऐसा कुछ गाने का शौक है नहीं, बट बस गुनगुना लेते हैं, और ये बहुत बहुत रिलेट करता हूँ इस गाने से,
क्योंकि मैं उस परिवार से संबंध रखता हूँ कि आंखों में बहुत बड़े सपने लेके मुंबई शहर आया था, और सच बताऊं तो बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर रोल्स करने के लिए भी रेडी था, बट टचवुड सारे ही मैंने लीड किए हैं। तो आपने ईश्वर कभी की बड़ी चीजों की ख्वाहिश नहीं रखी, जो आया नहीं, उसको एक्सेप्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला कि किसी भी कलाकार के लिए ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि आप समय को देखते हुए समझते रहें कि कब आपको किस चीज की जरूरत है, है ना। तो मुझे काम की जरूरत है, मैंने काम किया, मुझे अच्छा किरदार करना है, अगर वो लोगों को पसंद आएगा तो लोग अपने आप आपको, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो तो छिपाए नहीं छिपती है। लोग कहते हैं कि इश्क और मुश्क जो होता है वो छिपाए नहीं छिपता है, मैं कहता हूँ कि अच्छा कलाकार भी जो होता है वो छिपाए नहीं छिपता है, सूनर और लेटर हो जाता है काम। सबका एक दौर आता ही आता है, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, किसी ने पूछा आपका फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट क्या है या फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है अनिरुद्ध? देखिए सच बताऊं तो पहले ये कहता था कि यार जब फुर्सत मिले ना तो घर से अच्छा कुछ नहीं होता है। सुनो तो सही, झूठ नहीं बोलता हूँ। पहले ये कहते थे हम लोग ये कहते थे कि अरे यार फुर्सत मिल जाए बस, एक दिन के लिए ना घर भी काफी होता है, लेकिन इतने दिन भी घर पे नहीं बैठा जाता, सच बता रहा हूँ मैं। ये एक अलग ही दौर है, बट मुझे लगता है कि घर में रहना ही जो है वो हम सब लोग के लिए अच्छा है। बट हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि गोवा एक ऐसी जगह है जो बहुत नजदीक है, एक तो मुंबई के जब मर्जी चाहे तब चले जाओ, तो हाँ गोवा एक अच्छा फेवरेट डेस्टिनेशन है मेरे लिए। अच्छा ये बताइए, लॉकडाउन खत्म होगा तो उसके बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? यार लॉकडाउन खत्म होगा तो सिर्फ बताऊं एक दिन तो भी बाहर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं बाहर तो देखो एकदम से तो ये नहीं होगा। एकदम से तो खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे ही होगा, और मुझे लगता है सभी को ना थोड़ा सा कुछ दिन और परहेज रखना चाहिए। बेशक अगर लॉकडाउन खुल भी जाए तो भी थोड़े दिन तो मतलब परहेज करें, बिकॉज यू नेवर नो, है ना, कोई भी चीज है उसका रिलैप्स भी हो सकता है, ईश्वर ना करे ऐसा हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक बार ना जब फ्लाइट्स वगैरह सब शुरू हो जाएंगी, ट्रेन सब शुरू हो जाएंगी, तब मैं एक बार ना जयपुर जाकर आऊंगा, बिकॉज मेरे मम्मी पापा वहां पर अकेले हैं, वो लोग जयपुर में हैं, तो एक बार उनकी खैर खैरियत ले लूं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है आगे। सोनाली ठाकुर ने पूछा है री एंटर कब होंगे आप पटियाला में? देखो री एंटर का तो फिलहाल कोई ऐसा इरादा है नहीं, और फिर कुछ नए दूसरे प्रोजेक्ट में आपसे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। आप अपसेट क्यों थे अनिरुद्ध सर? अनी प्रजापति ने पूछा है। अपसेट किस बात के लिए, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ यार। हाँ हमको पता है आप शांत रहते हो बस अपने में। हमें मानसा के घर मिले थे तब हमारी बहुत बात हुई थी पटियाला पे, राइट, फिर आपने बोला अरे ऐसे बात कर लो बट झूठ वूट मत करना। अच्छा ये पटियाला के सारे सवाल हमने कर लिए हैं सारे फैन क्लब, सो आप रिपीट क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड अगर आपके पास कोई नए क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं, बिकॉज आपने जितने क्वेश्चंस भेजे थे सारे फैंस एंड व्यूअर्स, हमने वो सारे ले लिए हैं, एंड अब जाके अनिरुद्ध फ्री हुए हैं। सर एक सॉन्ग सुना दीजिए। सर ने सॉन्ग सुना दिया, इतना बढ़िया सुनाया था, सॉन्ग सुनाया, बहुत अच्छा सॉन्ग सुनाया। हाँ इट्स नॉट एन एक्टर व्हाट यू वुड बी, ये भी बता दिया उन्होंने, या तो फौजी होता या फिर कहीं बावर्ची होता यार। हाँ एक डायलॉग इंदू सिंह कैरेक्टर से प्लीज। इंदू सिंह, हाँ इंदू सिंह अपने आप के अंदर कॉलेज का एक अलग ही नेता था, तो कहता है एक दिन कि देखो गुडुआ बेटा, बात ऐसी है कि लौंडिया के चक्कर के अंदर ज्यादा सेंटिमेंटल नहीं होना, काहे कि जो तुम लड़कियां के पीछे लौंडिया के पीछे हुए सेंटिमेंटल तो ससुर तुम मेंटल हो जाओगे। तो वो एक अलग उसका अंदाज था, यू नो उसकी अपनी फिलोसफी अलग थी, तो बड़ा प्यारा कैरेक्टर था, वो भी मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर है। रितिका ने पूछा है आपके फेवरेट सीन्स कौन से रहे एंड सबसे डिफिकल्ट सीन्स कौन से रहे कोई भी शो के, या इनफैक्ट उन्होंने पटियाला लिखा है बट कोई भी शो के कौन से रहे? देखिए किसी भी शो के जो शुरुआती दिन होते हैं ना, जब आप उस कैरेक्टर को एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, जब आप उसको खड़ा कर रहे होते हैं, तो इक्का दुक्का दिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में जाता है, है ना। जब आप उस किरदार की नर्व्स को पकड़ लेते हैं, एक कॉर्ड होता है उसको आप पकड़ लेते हैं, तो फिर आप सही सुर पे जाने लगते हैं, और फिर सीन दर सीन अलग अलग शेड्स अलग अलग उसमें रंग आते रहते हैं, उनको खेलते रहते हैं। तो इनिशियली दौर में सभी थोड़ा सा टफ होता है,
कोई सा ही कैरेक्टर हो, जैसे कि यारो के टशन में अब उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उसका स्पीच स्टाइल हाँ, क्या होगा, सब कुछ टफ होता है, तो वो काफी पेचीदा था। ओके अपने फैंस को हेलो बोलिए एंड प्लीज सजेस्ट एनीथिंग फॉर क्वारंटाइन। देखिए अभी आप सब लोगों के पास दुनिया भर के इतने सारे मैसेजेस आ चुके होंगे कि आप सब लोग पीएचडी कर चुके हैं, मेरे बताने से आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत बड़े बड़े महान प्रगाढ़ विद्वान लोग जो हैं, वो सब लोगों ने बहुत सारी चीजें आप लोग को भेज दी हैं। आप सब लोग पूरी पूरी थीसिस लिख सकते हैं कोरोना पर, आई एम श्योर, बिकॉज जैसे मैसेजेस मेरे पास आते हैं आपके पास भी आते होंगे, लेकिन हर तरीके के मैसेजेस को प्लीज आगे मत फॉरवर्ड करना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोरोना से ज्यादा अफवाह फैल रही है, तो थोड़ा सा उस पे दोस्तों परहेज रखें आप लोग, बड़ा मजा आएगा। बाकी आप लोग जैसे हो, खाओ पियो मस्त रहो घर में यार, कुछ दिन की और बात है, समय ये भी बीत जाएगा। ओके बहुत लोगों के नाम ले लीजिए अनिरुद्ध, सब कह रहे हैं। चलिए जल्दी से नाम लेता हूँ, दीपिका अग्रवाल हेलो हेलो हेलो, तन्वी जाट, व्यास, रोहित हेलो, सोनी ऋतु बी सोनी ऑलवेज, जिज्ञासा हेलो, डॉक्टर स्नेहा हेलो, एंड साईराम हेलो, नताशा, खुशी, सोनाली ठाकुर, काजल बिहारी, रितेश सूद, एंड कहना लवर, सो ऑलवेज बी कहना लवर गाइस। पूछा आर यू वेज? यस यस यस, शुद्ध शाकाहारी। अच्छा आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन से क्लोज दोस्त हैं? देखिए दोस्त तो बहुत सारे हैं, मतलब आप गिन नहीं सकते, बस ये होता है कि कुछ दोस्तों से आप महीने में 3 बजे वाले के जिनको फोन करो भाई कि ये मेरे लिए हमेशा खड़ा है, वो वाले दोस्त। शशांक व्यास हैं उनमें, हाँ उनकी अजय से, हाँ अजय चौधरी हैं, उनके साथ दोस्ती कैसे हुई किसी ने पूछा था, हाँ हाँ उसका भी मैं आंसर दूंगा। अजय चौधरी हैं, मोहित डागा हैं, रोहित पुरोहित हैं, हिमांशु सोनी हैं, तो हाँ। ये सब मित्रगण हैं जो हैं, तो जो हमेशा हमारे लिए हैं, खड़े हैं, शोभित आत्रे हैं, ये सब लोग बहुत, हमारा एक बहुत अच्छा ग्रुप है, तो सब आपस के अंदर मिलते जुलते रहते हैं। तो शशांक से दोस्ती कैसे हुई? हिमांशु से भी बहुत गहरी दोस्ती है आपकी? जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ तक कि वो उमरगांव से जब आते थे, इनफैक्ट जब वो राधा कृष्णा कर रहे थे या फिर अभी जब लव कुश चल रहा था, तब भी होता था कि हाँ, तब भी होता था कि कभी कभार मुलाकात कर लेते थे, बिकॉज कभी रोहित के घर पे मिल लिए, कभी वहां मिल लिए, तो वही है कि जमावड़ा यार दोस्तों का होता रहता था। तो अब वापस से गेट टुगेदर होगा, सब लोग मिलेंगे आपस में। हेलो शिखर पंड्या, कैन यू शो योर रूम, किसी ने पूछा है, एक सेकेंड। अरे यार मैं आपको पूरा घर ही दिखा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको मेरी मुई से भी मिलाता हूँ, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। ये देखिए ये तो मेरी मुई है, मुई वेयर यू गोइंग, मुई कम, धूप बहुत तेज है देखिए, हाँ ऐसा है, हरियाली है आपके घर पे? जी देखिए थोड़ा सा वही है कि जितनी जगह है, जितना छोटा सा जगह है, उसके अंदर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़े से कुछ पेड़ पौधे जो है वो मेंटेन रहे, पर देखिए पूरा माहौल कहीं कुछ नहीं है, पूरी रोड खाली पड़ी है, ये पार्क हमेशा बच्चों से भरा रहता था, कुछ एक सीनियर सिटीजन हमेशा यहाँ पे घूमते रहते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ पक्षियों की आप आवाज सुन सकते हैं। सो गाइस बस ऐसे ही मैं शुभी को दिखा अपना समय बिताता रहता हूँ, आपके घर में फ्रेम्स वाली दीवार भी बहुत खूबसूरत दिख रही है। दिखाता हूँ ये देखिए ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, है ना, शादी की, तो जिस आप शेरवानी की बात कर रहे थे वो ये है, वो ये रहे, हाँ 32 किलो की, हाँ तो ऐसा कुछ है, बाकी तो बस वही सब है कि यार हम लोग घर में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, वैसे मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कुछ किताबों का सेक्शन है जो मैं पढ़ता हूँ, और इस वक्त एक ये बहुत प्यारी किताब है, आप देखेंगे, बेरहम आंसू, हाँ ये एक बड़ा प्यारा उपन्यास है, तो थोड़ा सा इसको पढ़ना लिखना चलता रहता है, बाकी कुछ और चीजें नोट्स ऐसे बनाता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। सो शुभी कहाँ है? यही है या शुभी, शुभी को बुलाना, आ रही है। अच्छा तो, किसने पूछा है आपके नाम का मतलब क्या है? देखिए जीवन में आपके हमारे सबके बहुत अलग अलग तरीके की परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर भी जो अलग अलग कठिनाइयों को
पार करता हुआ जीवन में आगे बढ़ जाए, है ना, जिसके रास्ते में किसी तरीके का कोई यू नो अवरोध ना हो, है ना, जिसको कोई रोक ना पाए, वो अनिरुद्ध होता है। और वैसे जो ये तो एक अर्थ वाली बात हो गई, इसके अलावा श्री कृष्ण के जो पोते थे उनका नाम भी अनिरुद्ध था। अच्छा। और जिसको कोई पराजय ना कर पाए वो अनिरुद्ध होता है। क्या अब पता नहीं नाम नाम कितना बट या आजा मोई कम आजा शुभी आना, ये मोई है, ये मेरा पेट है। हेलो हाय मोई मोई आओ योनिंग। सो बस यही सब समय दौर चल रहा है। अनिरुद्ध बस विजेता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, आप लोग इतना प्यार, यार इस तरीके से इतना करोगे तो मैं भी इमोशनल हो जाऊंगा, पहले तो नहीं हो रहा था, लेकिन थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग सो मच लव। फातिमा का नाम ले लीजिए। हेलो फातिमा, फातिमा कैसी हैं आप? ये प्रोग्राम रिकॉर्ड रहेगा क्या, क्या हम आगे देख सकेंगे? प्लीज आरती जी बताइए। हाँ, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड हम इनफैक्ट इनसे जो सवाल कर रहे हैं ये इनकी लाइफ के ऊपर है सारी, तो हम अभी जब तक लॉकडाउन है तो हम एक बायोग्राफी भी बना रहे हैं, हम आर्टिस्ट से स्पेशली शूट नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसी में से एडिट करके हम आर्टिस्टों की बायोग्राफी भी बनाएंगे, तो ये आपको ये बड़ा अच्छा आइडिया मिलेगा। हाँ जुगाड़ तो करना पड़ता है ना। दस आर्टिस्ट हमें इतना समय दे रहा है तो ये भी वैल्यू हो जाना चाहिए ना, सबसे बड़ी चीज होती है किसी का समय। एक इसमें क्वेश्चन था जो मेरे काफी पसंद आया मुझे, थिएटर टीवी और सीरियल्स, तो इसमें मैं बताता हूँ। देखिए थिएटर जो है ना वो पैशन है, जहां से मैंने शुरुआत की कि मुझे भाई नाटक करने का शौक है, आप स्टेज पे वर्क करते हैं, उसके बाद टीवी जो था वो यू नो बैक टू बैक समय के अनुसार काम मिलता गया तो करते गए, लेकिन आपका मकसद क्या होता है कि यार हम कुछ भी मीनिंगफुल काम करें, फिर चाहे वो वेब में हो, फिल्म में हो, चाहे टीवी में हो, तो उसको मैंने हमेशा तवज्जो दिया है लाइफ में अपनी। आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये लाइन, हाँ ये लाइन कह रहे हैं बहुत लोग कहने के लिए। हाँ हाँ वो एक्चुअली हनुमान सिंह का डायलॉग है, तो मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि हनुमान सिंह बोलता था, वैसे तो आज की तारीख के अंदर जो पुलिस महकमे के लोग हैं उन सब लोग को हम सब लोग सलाम करते हैं, और इनफैक्ट आज वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो जिस तरीके से वो लोग अभी इस वक्त संभाल रहे हैं सब चीजों को, यार उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, फिर भी मैं हनुमान सिंह की स्टाइल के अंदर बोल देता हूँ, यो बात है सेठ सौरा सोरी घर से ना निकलिए आप, नहीं अगर पटियाला पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है, पता लगा डंडे दे के एकदम से सीधा कर दिया किसी को। अनिरुद्ध आप एकदम परफेक्ट रहते हो, चाहे पंजाबी हो चाहे कहते हैं ना ठेठ वाला किरदार हो, आप एकदम हर चीज में एप्ट हो। मुझे भारती लगता है कि ना यार एक्टर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपनी भाषा पर काम करे, है ना, फिर चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो चाहे उर्दू जबान हो, और यहाँ तो क्या है कि रीजनल काफी चलता है क्योंकि सबका अपना बैकग्राउंड है, तो उत्तर प्रदेश वाला हो चाहे बिहार वाला हो। माउथ ऑर्गन कहाँ है? माउथ ऑर्गन यहीं कहीं रखा होगा। फैंस ने पकड़ा है, एक दिन, नहीं पता एक दिन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहीं रखा होगा यार, जस्ट वेट। रानी माउथ ऑर्गन कहाँ रखा है? जस्ट वेट लेट मी फाइंड। हर जगह कोने कोने में सैनिटाइजर है। ये देखिए पहली बात तो ये बताऊं, ये मैंने इस पे आप पढ़ेंगे इस पे लिखा है ऑन बिग बी बर्थडे लंडन 2018। हाँ है ना, तो बच्चन साहब के बर्थडे पे मैंने ये लंडन में खरीदा था। अच्छा हाँ, क्योंकि उनको मुझे सुनाना था ये, तो वैसे उनसे जब मुलाकात हुई थी तब भी मैंने उन्हें सुनाया था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तो अगर आप कहो तो जो मेरे फैंस हैं, जो चाहने वाले हैं और जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, उनके साथ ऐसा ही प्यार बना रहे, ऐसा बॉन्ड बना रहे, उसके लिए सुना देता हूँ आपको। बिल्कुल जी बिल्कुल। धूप काफी तेज है और मुझे इसको एक मिनट, हाँ परफेक्ट।
बात है। एंड इसका शौक कब चढ़ा? यार ये एक्चुअली बचपन से प्ले कर रहा था, बट सच बताऊं तो इस दौरान ना काफी ब्रशिंग कर पाया, तो मैं इस मतलब ये जो एक पीरियड है क्वारंटाइन वाला, ये गाना मेरा फेवरेट है। और क्योंकि मैंने आपको भी सुनाया, तो अदरवाइज बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं जो इस पे मैंने अभी ट्राई किए और इससे पहले कभी नहीं किए, यू नो। तो वही होता है कि आप अपनी चीजों को, अपनी हॉबीज को जब समय देने लगते हैं तो अच्छा लगता है, राइट? अन्नी भाभी जी कहाँ है? नौरीन जी पूछ रहे हैं। बुलाता हूँ जस्ट वेट। रानी हेलो। हाँ जी, जरा रूटीन बदल चुका है, खाने पीने उठने नहाने सोने का, तो राइट नाउ शी इज टेकिंग बाथ, सो डेफिनेटली शी विल जॉइन अस सूनर। कोई बात नहीं, हम फिर से वापस उनसे ज्वाइन कर लेंगे। अनिरुद्ध, आप इन सब से क्या कहना चाहेंगे एंड सबको थैंक यू कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए मैसेज तो वही है कि यार सभी लोग बार बार बोल रहे हैं और आप लोग को ही मालूम है कि वो ही बोलेगा कि घर से मत निकलना और ये करना। मैं सिर्फ इतना सा बोलूंगा कि ये बहुत आम सी बात है कि आप में हम सब लोग थोड़ा सा, हाँ एक समय होता है कि जब हमको लगता है यार अब बस, यार अब बहुत हो गया यार, अभी अब मैं कितनी फिल्में देखूं, मैं कितना क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं कितना टीवी देखूं, कितना फैमिली के साथ बैठूं। बट कोई बात नहीं, वक्त ये भी गुजर जाएगा और आप लोग पेशेंस के साथ थोड़ा सा और साथ दें, गवर्नमेंट का भी और अपनों के लिए, अपना का ख्याल रखने के लिए आप लोग घर में ही रहें, वही मुझे लगता है कि एक सबसे सही है। और आपकी जो हॉबी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको गाना पसंद है या फिर डांस करना पसंद है या कुछ लिखना पसंद है, कुछ पढ़ना पसंद है, तो यही वो समय है जिस समय आप अपनी हॉबीज जो हैं घर में रहकर जो कर सकते हैं उनको आप पूरा कर सकते हैं। तो गाइस अपने मन से जो आपको पसंद हो वो आप करें, स्वस्थ रहें, और मैं चाहता हूं कि लाइफ में आप लोग कभी खाली ना बैठें, जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहें। तो ये जो समय है इस वक्त आप मैक्सिमम समय दें अपने घर परिवार को, उनके साथ समय बिताएं आप। मैं जानता हूं आज मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो जो लोग अपने पेरेंट्स के साथ हैं वो लोग ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आप लोग आने वाले समय में इतने ज्यादा बिजी होंगे कि आप लोग को ये टाइम नहीं मिलेगा, तो इस समय को जस्ट मेक यू नो मोस्ट ऑफ इट, कि आप लोग बेहतरीन समय साथ में बिताएं अपने परिवारजन के और खुश रहें। और गॉड ब्लेस यू ऑल, मच लव, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच अनिरुद्ध हमसे बात करने के लिए। इतने दिन के बाद बात हुई, एंड हमेशा जब भी आपसे बात करना होता है या मिलने भी आना होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी पूरी टीम आपको बहुत अडोर करती है, रिस्पेक्ट करती है। थैंक यू सो मच मैम को, मैम को बिल्कुल बिल्कुल सबको मेरी तरफ से हाय बोलना। और चलिए ठीक है, जल्दी से आप लोग की पार्टी भी ड्यू है, विल जॉइन यू सूनर। हां, अपना और सबका ध्यान दीजिएगा। बाय, थैंक यू सो मच आरती, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।